हेलो फ्रेंड, आज हम कोरल फाइल्स के अंदर जो है कर्व टेक्स्ट फाइंड करना जानेंगे कि कैसे हम जो है कर्व टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि कर्व टेक्स्ट कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए हमने दो फ्रेम लिया है टेक्स्ट बॉक्स का। इसके लिए हम जो है फाइल मेनू में जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि हमारा एक पैनल खुल के आ जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें आपको पैराग्राफ एंड फ्रेम, पैराग्राफ लाइंस वर्ड्स कैरेक्टर्स, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा डिटेल यहाँ पर जो है दो पैराग्राफ्स हैं, 10 पैराग्राफ हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम को जो है कर्व कर दिया है और इसको अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है कहाँ पे कैसे हम देखेंगे कि कर्व हुआ है नहीं हुआ है, और अगर कर्व हुआ है तो कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं इसके। और ऊपर वाला जो तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने कर्व नहीं किया है और नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स को हमने कर्व कर दिया है। इसके लिए हम फिर सेम प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, जिसके अंदर जो है हमारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जो है पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जो है हमारा एक फ्रेम दिखा रहा है, जो कि एक फ्रेम को हमने कर्व कर दिया था। उसके नीचे जो है पैराग्राफ लाइन वगैरह ये दिखा रहा है, और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 31 दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो है टेक्स्ट पैराग्राफ को लेकर। अब यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यू है इसको हम कैसे चेक करेंगे कि सही है नहीं है, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हम लेयर 1 खोलेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा पूरा एक लिस्ट कर्व का जो है दिखाई दे रहा है। इस कर्व पे क्लिक करने के बाद जो भी पार्ट हमारा डिवाइड हुआ है वो पार्ट जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इन सबको अगर काउंट करेंगे तो 30 कर्व जो है यहाँ पे शो करेगा, 30 कर्व का 30 ऑब्जेक्ट शो करेगा, जो कि कर्व नाम से है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स का जो है लास्ट लेयर है, जो कि उसको इंक्लूड करके 31 जो हमारा वैल्यू वहाँ पे शो कर रहा था, आपने देखा होगा। तो इन सबको जो है ये कर्व करने के बाद जो है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कर्व जो है कहाँ कहाँ हुआ है। तो इस तरह से जो है हम कर्व को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कर्व हमारा फाइल कहाँ हुआ है, कौन सा टेक्स्ट हुआ है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।